बड़ी सी बड़ी शक्ति से छुटकारा पाने का कोई तोड़ होता है। उसे इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और ये मरेगी नहीं। ये जो लड़की है ना, इन दुर्लभ जीव की तरह साल में एक बार प्रकट होती है। लगभग 2 साल पहले श्रद्धा कपूर की एक मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की मोटिवेटेड मूवी नागिन की। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर एक नागिन के रोल में देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक इस फिल्म के ऊपर काम शुरू भी नहीं हो पाया। पता नहीं वे किस टाइम का इंतजार कर रहे हैं, और सुनने को मिल रहा है कि श्रद्धा कपूर अब बहुत ही जल्दी इस मूवी की शूटिंग शुरू कर सकती है, क्योंकि अब इनकी आने वाली सभी फिल्मों में एक नाम नागिन का भी जुड़ गया है। और फिलहाल नागिन मूवी की शूटिंग श्रद्धा कपूर सबसे पहले पूरी करने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को इनके फैंस लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नागिन फिल्म को देखने के लिए अभी हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा कपूर की नागिन मूवी काफ़ी बड़ी फिल्म है, इसलिए फिल्म की शूटिंग में भी काफ़ी टाइम रखने वाला है। अगर 2023 में भी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो 2024 के लास्ट तक ये फिर हमको देखने को मिल जाएगी। उससे पहले तो ये फिल्म सिनेमा हॉल्स पर रिलीज होने से रही, और बहुत ही जल्दी इनका कोई अनाउंसमेंट टीजर देखने को मिल जाएगा, जिससे फिल्म की बाकी के अपडेट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक ना ही फिल्म की कास्टिंग को फाइनल किया गया है और ना ही फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट आया है, लेकिन फिल्म में श्रद्धा कपूर देखने को मिलने वाली है, ये खबर है, पक्की है। फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम भी पूरा हो चुका है, बस बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाए। फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही जल्द से जल्द फिल्म के टीजर को भी रिलीज कर दिया जाएगा और फिल्म की रिलीज डेट की खबर भी मिल जाएगी। वही बात कर रहे हैं ओके डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर में से एक विशाल फुरिया के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। वही बात के लिए फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म की कास्टिंग को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म का जब हमें कोई ना उसमें टीजर या पोस्टर देखने को मिलेगा तो उसमें फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी अपडेट मिल जाएगा। लेकिन सुनने को मिल रहा है कि फिल्म में बॉलीवुड का कोई बड़ा सुपरस्टार देखने को मिल सकता है, और वो भी विलन के रोल में, लेकिन अभी इसको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट तो आए नहीं है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेकर्स ने किस बड़े हीरो को फाइनल किया है। पर एक बात तो पक्की है कि श्रद्धा कपूर की है फिल्म, उनकी काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है, और हो भी क्यों ना, सभी लोग इस फिल्म के रिलीज होने का लगवा के 2 साल पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, पर किसी न किसी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन कर दिया जाता है।